हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7-14। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में राइट करेंगे। ए जो है वो मैट्रिक्स बनती है आपके पास कॉफिशेंट से, जो भी वेरिएबल के साथ कॉफिशेंट लगे हैं। फर्स्ट इक्वेशन के कॉफिशेंट आ गए 2, 3 एंड 3, सेकेंड इक्वेशन के 1, -2 एंड 1, थर्ड इक्वेशन का 3, -1 एंड -2। ये आपके पास कॉफिशेंट आ गए वेरिएबल के, और हमारे पास एक्स जो मैट्रिक्स है वो वेरिएबल की बनती है, वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, थर्ड जो है आपके पास बी मैट्रिक्स है वो आपके पास बनती है कॉन्स्टेंट नंबर से, 5, -4 और 3 आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर है। ओके बेटा, नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप आता है इसमें वो है ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स दी है, तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आप इसको पहले राइट करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास जो साइन है फर्स्ट रो के प्लस माइनस प्लस होता है, चलिए तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -3 फर्स्ट रो एंड थर्ड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड -2 एंड यहाँ पे 3 1 3 -2 और -3 आ जाएगा आपके पास, प्लस 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम -1 और 3 2 6 और ये आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा 5 2 10 माइनस है 3 और 5 अंदर भी माइनस का है, तो प्लस का 15 आ जाएगा। 6 में से 1 गया 5 5 3 15, तो ये आपके पास 40 आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0, तो इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट। तो इट मीन्स आगे हमारा जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए आपने ए इनवर्स फाइंड करना है, वो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आपके पास आ जाएगा। ओके बेटा, ठीक है, क्लियर है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। नेक्स्ट बेटा, आप इसके बाद हमें ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए होता है, जॉइंट ए भी चाहिए, उसके लिए आपको को फैक्टर निकालेंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23। ठीक है, 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे साइन भी चेक होता है। ठीक है, जहाँ पे भी ऑड पावर होती है वहाँ पे आपका -1 आता है, क्या आता है, -1, आपने ये भी याद रखना है। ओके बेटा, यहाँ पे भी ऑड पावर मतलब 5 बन रही है, -1 की पावर चेक करते हैं ना आप, यहाँ पे -1 उसकी पावर ये रोज और कॉलम प्लस करके, तो ये इवन हो गया, तो इट मीन्स 1 आएगा, अगर ऑड पावर हो जाती है तो -1 आता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए तो अब आप ये कोफैक्टर के साथ, जैसे -1 है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, माइनर, तो माइनर कैसे आप फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके आपके पास ये फैक्टर पड़े, 2 2 4 और 1 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1 1 1 नेगेटिव है, और नेगेटिव जो आपके पास डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आता है ये आ जाएगा 1। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम -2 और 3, -2 और -3, तो ये आ जाएगा -5 और 1 माइनस का 5। नेक्स्ट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 और 3 2 6 पॉजिटिव का, -1 और +6 क्या आ जाएगा, ये भी 5, और फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 3 2 6 नेगेटिव का, 3 1 3 पॉजिटिव का, अभी आ जाएगा 6 हमारे पास नेगेटिव का,
और पॉजिटिव का आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 और ये -3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, 2, 3 = 6 नेगेटिव का, 3, 1 = 3 नेगेटिव है, तो वो अपना साइन अंदर जो फॉर्मूले का आपका साइन है माइनस, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम -2, 2 = 4 नेगेटिव का, और नेक्स्ट हमारे पास है 3, 3 = 9 क्या जाएगा, 3, 3 = 9 वो पॉजिटिव आएगा। चेक कर लीजिए एक बार फिर से, सेकंड रो है एंड सेकंड कॉलम, 2, 2 = 4 नेगेटिव का, नेगेटिव का ही 9 आपके पास, क्या है नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा -13। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 2, 3 फॉर सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2, 1 = 2 नेगेटिव का, 3, 3 = 9 2 एंड 9, तो ये -11 -1 11 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3, 1 = 3 3, 2 = 6 3 और प्लस 6 आ जाएगा, 3 + 6 तो ये आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है, थर्ड रो है आपके पास, सॉरी थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम, 3, 1 = 3 3, 2 = 6 ठीक है। चलिए अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, 2, 1 = 2 3, 1 = 3 2, 1 = 2 एंड 3, 1 = 3 ठीक है, तो यहाँ पे -1 है, तो ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, हमारे पास क्या था, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2, 1 = 2 एंड 3, 1 = 3 ठीक है। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, 2, 2 = 4 क्या आया, -4 एंड 3, 1 = 3 तो 3 भी माइनस का, तो ये आ जाएगा -7 ओके, क्लियर है। अब आप एडजॉइंट राइट करिए, यहाँ पे एडजॉइंट ए जो बेटा आपके पास आ गया वो लिखेंगे, जो रोज है वो कॉलम में, तो ये कॉलम में लिखेंगे 5, 5, 5 एंड नेक्स्ट है 3, -13 और 11, फिर है आपके पास 9, 1 और -7 ये दिस वन एडजॉइंट ए। अब आप इस इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे, चलिए इसको हम ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रही हूँ। चलिए हमारे पास है एक्स, एक्स है वेरिएबल वाले जो मैट्रिक्स है आपके पास, और हमारे पास 1/40 आया डिटरमिनेंट। ठीक है, ए इनवर्स को कैसे राइट करते हैं, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या है 5 एंड 3, 9 5 - 13 1 5, 11 और -7 ठीक है, और बी मैट्रिक्स आपके पास है 5 - 4 3 ठीक है बेटा। चलिए अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड 1/40, अब आपको मल्टीप्लिकेशन वाला रूल सॉल्व करना है रोज को कॉलम के साथ। चलिए तो 5 = 25 -12 एंड 9 = 27 ठीक है, ओके बेटा क्लियर है। 5 = 25 और 13 = 52 प्लस 3, 5 = 25 -4, 11 = 44 -7, 3 = 21 ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो है 1/40, अंदर बेटा प्लस कर लीजिए, 25 में से 12 = 13 और 27 = 40 27 और 3 = 30 यहाँ पे चेक कर लीजिए आप, 5 = 25 है, क्या है 25 और 3 हो गया 28, 28 और 2 = 30 और ये 80 आ गया आपके पास, क्या आ गया 80। 25 में से 21 किया आपके पास, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 पॉजिटिव, यहाँ से 4 पॉजिटिव माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा -40 ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। आप 40 अंदर डिवाइड कर रहे हैं
तो यहाँ पे वन रह गया, यहाँ पे टू रह गया, यहाँ पे माइनस वन रह गया। ओके नेक्स्ट आप कंपेयर करेंगे वैल्यू, पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। नेक्स्ट हमारे पास एक्स वाई एंड जेड मैट्रिक्स, ये वेरिएबल सॉरी एलिमेंट्स दिए गए हैं मैट्रिक्स के, तो आप क्या करेंगे लिखेंगे हेंस एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू टू एंड जेड इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर है, ओके। हमारे पास वन, ठीक है, थैंक यू।